तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो साउंड के बारे में अभी तक हमने ये देखा कि जब कहीं किसी भी पार्टिकल में, मतलब किसी भी मैटर में वाइब्रेशंस होते हैं तो साउंड क्रिएट होता है। तो जब जैसे साउंड की बात करें तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ये एयर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के सेंस में साउंड आगे ट्रेवल करता है, एनर्जी आगे ट्रेवल करती है। तो इसमें पार्टिकल्स लेफ्ट एंड राइट ट्रेवल करते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और बाकी जब ऐसा होता है कि पार्टिकल्स अप एंड डाउन ट्रेवल कर रहे हैं तो ये ट्रांसवर्स वेव्स होता है। तो साउंड बनता है जब कोई भी चीज वाइब्रेट करती है। तो साउंड के हमने वेव फॉर्म देखे, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स कल के लेक्चर में। आज हम थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे साउंड वेव्स के। प्रोडक्शन ऑफ साउंड में वाइब्रेशन में हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और ह्यूमन वॉइस, लारिंग्स, ये हमने थोड़ा सा देखा। इसके बाद कल हमने ये भी डिस्कस किया कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रेवल करने के लिए। सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस में किस तरीके से साउंड ट्रेवल करता है और किस तरीके से इनकी वेलोसिटी अलग अलग होती है साउंड की इन सारे मीडियम्स में। वैक्यूम या स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं कर पाता, इसके हमने एस्पेक्ट देखे। इसके बाद सोनिक बूम और ऐसे छोटे मोटे एक दो पॉइंट्स, ये हमें आज और डिस्कस करेंगे। बाकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड इसके एप्लीकेशंस, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, किस तरीके से कोई स्प्रिंग है प्लग कर दिया तो इसमें एयर कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस के सेंस में एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव, तो एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स जिसमें से कहीं लो, ये लार्ज प्रेशर बनता है तो इन्हें कंप्रेशन कहते हैं, कहीं पे लो प्रेशर बनता है तो इन्हें रेयरफैक्शन कहते हैं। और बाकी ये ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव में क्रेस्ट एंड ट्रॉव आते हैं, इसमें कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस आते हैं। इसके बाद ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब चीजें हम आज देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ साउंड हम देख चुके हैं, किस तरीके से लैरिंग्स में साउंड बनता है एंड किस तरीके से ट्यूनिंग फॉक्स, ये जब वाइब्रेट करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी आगे ट्रांसमिट होती है। और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सब के सब कहीं ना कहीं ये वाइब्रेशंस ही हो रहे हैं। जैसे कि स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रिंग के फॉर्म में हैं, तो इसमें आप वायर को वाइब्रेट करते हैं, वायर वाइब्रेट होती है तो आसपास की हवा वाइब्रेट होती है, और ये जो बॉक्स है गिटार का, इसके अंदर की हवा भी वाइब्रेट होती है तो आवाज थोड़ा सा और तेज बन के आती है। दूसरे हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स, कि आप इसमें हवा मारते हैं और हो सकता है इधर से थोड़ा सा क्लोज्ड के जैसा हो एक तरफ, दूसरी तरफ ओपन हो, थोड़ा सा ओपन हो या ज्यादा ओपन हो, कैसा भी इसका शेप हो, इसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा एयर कॉलम बनेगा कि एक पर्टिकुलर तरह से आप इसमें हवा डालोगे तो इसके अंदर कुछ ऐसा स्टैंडिंग वेव बनेगी। स्टैंडिंग वेव जो बनेगी इससे आवाज निकलेगी। स्टैंडिंग वेव कैसे बनेगी ये सब हम अभी आगे देखेंगे। और बाकी पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि आप एक्चुअली कुछ स्ट्राइक करते हो, जैसे ढोल हो गया तो आप एक्चुअली कुछ मार रहे हो किसी चीज पे, तो वो भी वाइब्रेशन ही हो रहा है। और हर तरह की आवाज, इनका एक अलग वेव फॉर्म होता है, भले ही सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम पिच हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इनको अलग करता है एक दूसरे से वेव फॉर्म, और इसी वजह से हम अलग अलग आवाजों को पहचान पाते हैं, चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाजें हों, चाहे सेम गाना सेम ट्यून पे, सेम टोन पे अलग अलग सिंगर्स गा रहे हो, तब भी हम सिंगर्स की आवाज पहचान लेते हैं। तो कुछ एक चीज है, वैसे ही उन्हें सारे गामा पास सभी वही गा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज है जो पहचान लेते हैं कि नहीं, ये वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है, जिसे हम टिम्बर कहते हैं। ये है एयर कॉलम के हारमोनिक्स। जैसे कि हम ये वाली जो फ्लूट होती है जो दोनों तरफ से ओपन होती है, तो उसमें किस तरीके से एयर कॉलम में ऐसे स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं, उस हिसाब से इनमें अलग अलग आवाजें निकलती हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड में हमने जैसे ये देखा कि सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्पीड है क्योंकि बहुत पास पास है पार्टिकल्स, लिक्विड्स में थोड़ा सा कम स्पीड हो गई है, गैसेस में थोड़ा सा और कम स्पीड हो गई। और इसका ये रिप्रेजेंटेशन यही है, जब आप कह रहे हो कि पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा के एनर्जी को प्रोपोगेट करेंगे, तो टकराने के लिए पास पास रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये स्पीड ऑफ साउंड अलग अलग मीडियम में, तो जैसे इधर की तरफ हम देखते हैं ये
एयर वाले मीडियम्स हैं। तो एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये देखते हैं कि हवा में गर्मी बढ़ रही है तो हवा में स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ रहा है। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जैसी गर्मी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स और तेजी से मूव करेंगे और ज्यादा मूव करेंगे, तो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड और बेटर हो जाएगा। इसके बाद यहां से ये लिक्विड्स चालू हो जाते हैं, ये प्रॉपर लिक्विड चीजें। इसके बाद यहां से थोड़ा सॉलिड चीजें शुरू, ह्यूमन टिश्यू, अल्ट्रासाउंड। इस साउंड को जब हम बॉडी के अंदर हम प्रोपोगेट करते हैं तो अच्छी खासी स्पीड है साउंड की। और जैसे जैसे सॉलिड्स में भी हम देखते हैं, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्पीड है। सॉलिड्स में भी जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ रही है कि हम ग्रेनाइट डायमंड के पास पहुंच रहे हैं, तो डायमंड सबसे ज्यादा डेंस मटीरियल है। तो डायमंड में देखिए कितनी ज्यादा स्पीड आ रही है साउंड की। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, कई सारी चीजें हैं स्पीड ऑफ साउंड के सेंस में। ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? पहला तो है नेचर ऑफ मटेरियल, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, और इसमें भी इसका डेंसिटी क्या है। दूसरी चीज टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी। इसके बाद ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ह्यूमिड एयर में टेम्परेचर मतलब ये स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ह्यूमिड एयर में क्या है, हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स भी आ गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। और इसके बाद कह लीजिए कि बेसिकली ये तीन पॉइंट्स हैं, बाकी फोर्थ पॉइंट डेंसिटी, डेंसिटी भी नेचर ऑफ मटेरियल में ही आ गया अगर आप वैसे देखें तो। तो जैसे व्हेल्स, डॉल्फिन्स ये आपस में बात कर पाती हैं इस तरीके से साउंड का यूज करके पानी के नीचे। ये है रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, ये हमने देखा था कल, एक्सप्लोजन हुआ एंड थोड़े टाइम के बाद आपको इसका साउंड एंड ये एनर्जी फील होती है। हमें पहले बिजली कड़कती नजर आती है, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देता है। और यही चीज हमें क्रिकेट शॉट के टाइम पे, पहले हमें शॉट नजर आता है कि बॉल बैट से स्ट्राइक कर गई है, आवाज हमें थोड़ा सा गैप के बाद आती है, और दूर से गोली चलाई जाए तो पहले हमें इसका ये फायर नजर आती है और बाद में गोली की आवाज सुनाई देती है। अब यहां से हम इस चीज को देखते हैं आगे और क्या है। तो एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं सोनिक बूम। तो जब कोई भी चीज इतनी तेज स्पीड में चल रही होती है कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है, तो इस टाइप का आपको व्हाइट कलर का एक कोन जैसा नजर आता है। और जब ये मतलब चीज कह लीजिए, और ऐसा हो क्यों रहा है, साउंड चारों तरफ फैलता है और ये चीज आगे की तरफ बढ़ रही है, तो होता क्या है कि जो आगे की तरफ का हिस्सा है इसमें ये जो साउंड की जो वेव्स हैं ये कंप्रेस हो रही हैं इधर की तरफ, कंप्रेस हो रही हैं, तो इनका फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये इनका दूर दूर हो रही हैं, तो डेंसिटी कम हो रहा है। और यही चीज को हम डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जब कोई कार पास आ रही होती है हॉर्न देते हुए, तो आपको उसका हॉर्न जब पास आ रही है तो तेज सुनाई दे रहा है, और जैसे जैसे आपको पास करने के बाद जैसे दूर जाती है तो उसका हॉर्न और थोड़ा सा धीमे होता चला जाता है। तो इसका रीजन क्या है, यही चीज है कि जब वो कार या ट्रेन आवाज देती हुई पास आती है तो साउंड चारों तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सामने की तरफ बढ़ रही तो सामने कंप्रेस हो रहा है साउंड, तो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ रही है, इस वजह से आपको आवाज में चेंज नजर आता है। यहां पे क्या है, ऐसी इनको कहा गया है वेव फ्रंट। तो ये है सब सोनिक स्पीड, यानी कि साउंड की स्पीड से थोड़ा सा कम, सब सोनिक।
ये है मार्क वन। मार्क वन कहा जाता है जब आप साउंड की स्पीड को टच कर जाते हैं। तो मार्क वन के आसपास आप देखते हैं कि ये जो कंप्रेशन बन रहे हैं ये कुछ एक जैसा कंप्रेशन भी मिलके कुछ एक लेयर जैसी बना दे रहे हैं। अब और तेज आप स्पीड कर देंगे तो सुपर सोनिक स्पीड हो जाएगी, यानी कि यहां पे आप साउंड की स्पीड से तेज पहुंच गए। तो ये होगा क्या कि ये जितनी भी वेव्स हैं ये ऐसा कोन का शेप ले लेंगे कि वेव्स आगे जा ही नहीं पा रही इतनी तेजी से। तो ये कोनिकल फॉर्म इस तरीके से बनेगा और इससे होगा क्या, प्लेन आता आपको नजर आएगा, आपको आवाज नहीं आएगी। प्लेन आपका ऊपर होगा, आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब प्लेन चला जाएगा आपसे थोड़ी दूर तो ये जो कोन बनते हुए आ रहा है ये कोन जब आप पे पहुंचेगा, ये कोन अभी यहां तक है, जब ये चीज यहां पे पहुंचेगी आपके तब तक प्लेन काफी दूर जा चुका होगा। और जब आप पे पहुंचेगी तो ये बिल्कुल एक शॉक के जैसा आएगा कि जैसे हमने एनर्जी की वो वेव देखी थी वो भी टाइप ऑफ ये प्रेशर ही था इसका। तो इसकी वजह से कई बार ये कांच के शीशे टूट जाते हैं, बिल्डिंग्स के घरों के शीशे, और वही चीज इतनी एनर्जी के साथ कोई प्रेशर आएगा तो उसका असर पड़ेगा और आपको काफी लाउड नॉइज आएगी गुजरने के बाद। तो ये चीज रही सोनिक बूम। तो इसे कहा जाता है शॉक वेव्स इन एयर, ट्रिमेंडस एयर प्रेशर वेरिएशंस, जिसकी वजह से एक लाउड बर्स्ट ऑफ साउंड होता है जिसको हम सोनिक बूम कहते हैं। टिम्बर, टिम्बर अभी आगे हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पढ़ेंगे तो फिर हम टिम्बर का जिक्र आएगा। अभी लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो फिर लाउडनेस, पिच एंड टिम्बर, इन पे फिर डिस्कस करेंगे अलग से। सोनिक बूम का मैं वीडियो कोई आपको दिखाऊंगा कल। फॉर्मेशन तो बस अभी फिलहाल ऐसे ही बस बता सकता हूँ कि जब सुपरसोनिक स्पीड होती है तो ये सब वेव फॉर्म्स कह लीजिए कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और ये साउंड की स्पीड से ज्यादा तेज हो गया। सोचिए यहाँ पे वन हो गए हैं, जब वो और तेज होगा तो एक ऐसा कोनिकल शेप बना लेगा। अब आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो जितने भी वेव्स हैं नेचर में सब के सब रिफ्लेक्शन भी करते हैं, एब्जॉर्प्शन भी होता है इनका, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमने लाइट के सेंस में देखा था मोर और लेस ये सारे के सारे वेव्स इन लॉज को ही फॉलो करते हैं। तो अभी तक हमने लाइट के केस में देखा था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यही एग्जैक्टली चीज साउंड के सेंस में भी होता है, मोर और लेस यही चीज वाटर के सेंस में भी होता है, सारे वेव्स इस चीज को फॉलो करते हैं। तो यहां पे हमें देखता है इंसिडेंट साउंड नॉर्मल 90 डिग्री और ये रिफ्लेक्टेड साउंड, थोड़ा साउंड एब्जॉर्ब हो जाएगा और थोड़ा साउंड ट्रांसमिट हो जाएगा। और इसी वजह से एक कमरे में कुछ हो रहा होता है तो कमरे के बाहर भी आपको आवाज सुनाई देती है। और ये तो हमने देखा ही कि साउंड जो भी फ्रीक्वेंसी होगा कि मोर और लेस उसी टाइप से ये वाइब्रेट करेगा उसी के हिसाब से पार्टिकल्स को, तो थोड़ी बहुत हीट भी प्रोड्यूस होगी, वो हीट डेसिपेट हो जाती है। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में ये भी बात है कि अगर आपके सामने कोई दीवार है और आप कुछ बोलते हैं तो आपके साउंड वेव्स दीवार से टकरा के वापस आप तक आते हैं। तो ये जो चीज है कि आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वापस आप तक आ रहा है, इस चीज को प्रॉपर तौर पे एक अलग टर्म दे दिया गया है जिसको कहते हैं एको। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज यहां पे इस तरीके से भी किया जाता है कि जब बड़े बड़े सेमिनार हॉल्स होते हैं तो कहां पे कोई साउंड लगाया जाएगा या कोई स्पीकर लगाया जाएगा या किस जहां से भी आवाज आनी है और सामने ऑडियंस बैठी है तो पीछे की तरफ थोड़ा सा इस तरीके से कर्व्ड कर देते हैं ये प्लेटफॉर्म के पीछे, जिससे कि ये आवाजें जितनी भी आए वो टकरा के फिर सीधे जाएं तो ऑडियंस को एक बड़ा यूनिफॉर्म सी आवाज आए, बड़ी स्मूथ सी आवाज आए। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है इसके बहुत एप्लीकेशंस हैं कि साउंड किस तरीके से ट्रेवल करता है। आप कमरे में बैठे हो तो आपके एक तो डायरेक्ट आवाज जाएगी, एक रिफ्लेक्ट होकर आवाज जाएगी। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल समंदर के नीचे, समंदर कितनी गहराई पे है, मछलियां कहाँ हैं, कैसी हैं,
एकोलोकेशन जिस चीज को हम कहते हैं, इन सब चीजों में यूज होता है। अब जरा देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस। तो पहला एप्लीकेशन मेगाफोन। मेगाफोन का प्रिंसिपल ये है कि जब आप साउंड एक ऐसे ट्यूब स्ट्रक्चर में देते हैं तो साउंड इस तरीके से टकराता है इसके ट्यूब में कई बार, और टकराने के बाद ये स्ट्रेट निकलता है, तो आवाज थोड़ी सी एम्पलीफाई हो जाती है इतने में, क्योंकि आवाज यहाँ पे काफी कंडेंस हुई और फिर अब एम्पलीफाइड वे में निकल रही है। इसके बाद स्टेथोस्कोप, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का ये भी एग्जाम्पल। कोई भी चीज अगर थोड़ा सा भी वाइब्रेट कर रही है तो ये जो ड्रम है इसमें डायफ्राम है, वो चीज वाइब्रेट करेगी तो ये उसी तरीके से डायफ्राम भी वाइब्रेट करेगा। डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो ये साउंड वाइब्रेशंस ट्रेवल करेंगे इसके ट्यूब में। तो ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते जाएंगे साउंड के, और ये साउंड इस ट्यूब से होते हुए आपके ईयर टिप्स तक पहुंचेगा और आप वही साउंड यहाँ कान में सुन पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा इन्वेंशन है मेडिकल साइंस के तौर पर, और ये मुश्किल से 150 साल पहले जाके इसका इन्वेंशन हुआ। और स्टेथोस्कोप तो फिर ऑब्वियसली बहुत यूजफुल चीज है ही। इसके बाद अब अगला आता है साउंड बोर्ड। साउंड बोर्ड इस चीज को कहा गया है कि ये जो सिस्टम लगाया जाता है हॉल्स में, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स या ऑडिटोरियम्स में, सेरेमनी हॉल्स में, कि जितनी भी ऑडियंस है इनको ऐसा नहीं हो कि आवाज इनको मल्टीपल आवाजें आ रही हो, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े हॉल्स हैं तो बहुत जगहों से साउंड वाइब रिफ्लेक्ट करके आएगा, तो इनको ऐसे मल्टीपल आवाजें ना आए, एको ना हो, इनको स्मूथ आवाज आए। तो इस सेंस में जैसे आप देखेंगे, पहली चीज तो साउंड एब्जॉर्बर्स बहुत सारे होंगे कि इधर उधर से रिफ्लेक्टेड साउंड ना आए, तो पर्दे, कारपेट ऐसे सब खूब लगाए जाएंगे कि एक्स्ट्रा साउंड, इधर उधर वाला साउंड ये सब एब्जॉर्ब कर। जो छत होगी वो इस तरीके से होगी कि साउंड जो ऊपर आए वो रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो और बाकी स्टेज भी कुछ इस तरीके से बना होगा कि वो साउंड सही डायरेक्शन में सही से आए। तो साउंड बोल्ड का सिस्टम, और यहीं से ये बात आती है, एक टर्म आता है रिवर्बरेशंस। अगर आप ऐसे बड़े बड़े हॉल्स में एक तरफ कुछ बोलें तो आपकी एक तो सीधा आवाज आएगी, दूसरी आपकी आवाजें जो आएंगी वो आएंगी जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आएंगे, तो जो थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिसको हम कहते हैं आवाज गूंज रही है, तो ये वो चीज है कि एग्जैक्टली कि रिवर्बरेशंस की आपको थोड़ा सा उस मेन साउंड के साथ साथ आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ी सी मोटी हो रही है आवाज की, आप दोबारा से आपको थोड़ा सा सुनाई दे रहा है। तो ये है रिवर्बरेशंस, और इसके लिए जैसे कि साउंड एब्जॉर्बर्स हैं, ऐसे अकूस्टिक फोम्स कहा जाता है इन्हें, साउंड एब्जॉर्बिंग फोम्स। तो इस तरीके से बाहर की तरफ कोनिकल शेप में निकले हुए हैं, और ये ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं जो साउंड एब्जॉर्ब करता है। तो होता क्या है, जब ये कोनिकल शेप में ऐसे बाहर निकले हैं तो कहीं पे किसी भी डायरेक्शन में अगर साउंड आ रहा है तो टकराएगा और रिफ्लेक्ट होकर इन्हीं के अंदर की तरफ आ जाएगा और जगह जगह एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो इसकी साउंड इतना एब्जॉर्ब हो जाता है आसपास इधर उधर जाने वाला साउंड कि सिर्फ डायरेक्ट साउंड आप पे ज्यादा पहुंचता है, सराउंड साउंड इतना नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से इनको एरियाज में साउंड का सिस्टम होता है। अब आते हैं रिवर्बरेशंस एंड एको। तो रिवर्बरेशन, जब किसी क्लोज्ड ऑडिटोरियम में आप कोई आवाज क्रिएट करते हैं तो आवाज हर जगह से टकरा के हर जगह पहुंचती है, तो इस चीज को कहा जाएगा रिवर्बरेशन। एको कहा जाएगा जब वो आवाज टकरा के आप तक ही आपको सुनाई दे रही है, दोनों जगह रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, लेकिन इस अलग अलग सेंस में हम कभी इसे रिवर्बरेशन बोलेंगे, कभी एको बोलेंगे। और रिवर्बरेशन ये जो है गूंज या इंपैक्ट कहीं किसी सेंस में, इस सेंस में नॉर्मल डेली लाइफ में भी इस टर्म का यूज होता है। तो जैसे कि ट्रम्प्स रिवर्बरेशंस, तो ये रिवर्बरेशंस इस सेंस में है कि ट्रम्प की कहां कहां आहट महसूस करी गई, ठीक है, कहां कहां पे
इन्होंने किस किस देश के बारे में क्या क्या बोला, क्या क्या बातें हुई, तो ट्रम्प्स रिवर्बरेशंस। तो ये साइंटिफिक टर्म किस तरीके से आम बोलचाल की भाषा में भी यूज किया जाता है। रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड में ही फिर अगला एक टॉपिक आता है अल्ट्रासाउंड, जो कि काम आता है इंटरनल ऑर्गन्स को देखने में, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो यूरेटर्स या फिर ये जो न्यूली डेवलप्ड फीटस है। तो इंटरनल बॉडी पार्ट्स, कोई इंजरी हुई, कुछ भी चीज, तो ये चीज अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड ये चीज है क्या, अगर एग्जैक्टली देखें तो जितनी भी आवाजें हम सुनाई देते हैं, ये इनको हम क्लासिफाई करते हैं फ्रीक्वेंसीज में। तो ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी की आवाजों को हम सुन सकते हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो आराम से सुन सकते हैं वो 1000 से करीब करीब 4000, जो आराम वाली चीज है कि आराम से सुनाई दे जाएगा और ये आवाज अब आपको कर्कश नहीं लग रही है कि इससे दूर हटो, निकलो यहां से। सुनने को आप यहां से सुन सकते हैं, लेकिन ये 20 हर्ट्ज से ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, आसपास थोड़ी शांति हो। 1000 हर्ट्ज से वो मतलब वो सुनने में लायक हो जाती कि अब आपका ध्यान जाने लगे, और 4000 हर्ट्ज के बाद वो आवाज थोड़ा सा कर्कश लगने लगेगी कि सुनाई दे रहा है आपको लेकिन बहुत अब डिस्टर्ब कर रहा है। 20,000 हर्ट्ज तक आते आते वो ऐसा हो जाएगा कि बहुत आवाज हो रही, बहुत शोर हो रहा है और आपको अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही, और इसके ऊपर जैसी फ्रीक्वेंसी जाएगी वैसी फिर से आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा, जबकि आवाज क्रिएट हो रही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके नीचे की आवाजें नहीं सुनाई देंगी, इसके ऊपर से आवाजें नहीं सुनाई देंगी। इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप ह्यूमन ईयर पढ़ेंगे कि हमारा कान किस सेंस में बना है। तो एक बेसिक अगर इंट्रोडक्शन के सेंस में, ह्यूमन ईयर तो एक अलग पूरा टॉपिक हो जाता है, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक तौर पे जैसे हम एनर्जी का चेंज कैसे हो रही है और ये सब चीजें हम देखते हैं, तो ह्यूमन ईयर का काम बेसिकली ये है कि जैसी हवा, जो भी साउंड है हवा के साथ जो आ रहा है, वो जिस फ्रीक्वेंसी का है उसी फ्रीक्वेंसी में ये ईयर ड्रम से टकराएगा, और ईयर ड्रम से जो टकराएगा तो ईयर ड्रम से जुड़ी है इस तरीके से 3 हड्डियां। तो जिस फ्रीक्वेंसी में ईयर ड्रम मूव करेगा, ये मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि वही फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट होगी इधर, ये जो कोएक्लम करके जो एक ऑर्गन होता है, ठीक है, कुछ लिया, इसके अंदर भरा है लिक्विड, और लिक्विड में छोटे छोटे सीलिया या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये जब इस पे धक्का मारता है कोचलिया पे, तो इसके अंदर का लिक्विड भी उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा, तो इसके अंदर के जो हेयर्स हैं वो भी उसी फ्रीक्वेंसी से मूव करेंगे, और वो नर्व इंपल्सेस ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन में कि हमें ये हेयर्स इस फ्रीक्वेंसी से हिल रहे हैं, तो यानी कि ऐसी आवाज आ रही है। तो ये इतना मैकेनिकल सा सिस्टम है, बायोलॉजिकल, और ये कि वो हेयर्स हैं और हेयर्स हिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका कुछ रेंज होगा। तो यही रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। इससे ऊपर के साउंड अल्ट्रासाउंड कहे जाते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और जैसे कि बैट हो गए, डॉल्फिन्स, वेल्स, ये सब अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं, और एनिमल हियरिंग में इंफ्रासाउंड, ह्यूमन हियरिंग से नीचे वाले साउंड इंफ्रासाउंड, यानी कि कम, इनका फ्रीक्वेंसी और कम है, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ और ज्यादा है। तो जैसे ये हाथियों की चिंगाड़ जो होती है इंफ्रासाउंड होती है, हमें नहीं सुनाई देगी, लेकिन दूर दराज के इलाकों तक वो हाथी सुन लेंगे कि और कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज, तो अल्ट्रासाउंड यहां से टर्म आया है, और ये अल्ट्रासाउंड है जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद आप बड़े अच्छे से कैच भी कर सकते हो, और पेनिट्रेशन भी इसका ज्यादा है अल्ट्रासाउंड का। तो अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑब्वियसली साउंड के एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। एक जैसे क्वेश्चन आया है आयुषी का, अगर पूरा हॉल एम्प्टी हो तो साउंड रिफ्लेक्ट कैसे करेगा? तो पूरा हॉल रिफ्लेक्ट मतलब वॉल्स हैं,
फ्लोर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पूरा हॉल एम्प्टी हो तब भी साउंड रिफ्लेक्ट करता है, और इनफैक्ट ज्यादा करता है, क्योंकि जब लोग ज्यादा होते हैं तो उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, उनकी बॉडी होती है, तो फिर भी वो साउंड थोड़ा सा कम हो जाता है वो एको के सेंस में या रिवर्बरेशन के सेंस में। और जब बिल्कुल लोग खाली हो जाते हैं तो फिर और तब भी रिफ्लेक्शन तो होता ही दीवारों से और हर जगह से। और इसके बाद रिवर्बरेशन एंड एको का डिफरेंस, चलिए ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे रिवर्बरेशन एंड एको। ये चैप्टर खत्म हो जाए तो हम छोटे छोटे पॉइंट्स का नोट्स बनाएंगे और ऐसे डिफरेंसेस जो हैं इनको करते चले जाएंगे, और फिर साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, एमसीक्यूज वगैरह भी। तो हम अल्ट्रासाउंड में थे, तो अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशंस, तो पहला तो है डिटेक्टिंग फ्लॉज। तो अल्ट्रासाउंड जब ऐसे वेव्स बनाए जाते हैं तो कहीं पे भी क्रैक होगा तो वहां से वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आपके पास आ जाएगी और आप उस चीज को रीड कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे कोई क्रैक है। तो कोई भी क्रैक हो या कोई भी डिफॉर्मिटी हो तो ये आप ट्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होता है और आप उसे, इतना रिफ्लेक्ट होता है कि आप आराम से डिटेक्ट कर लेंगे उसे। तो पहली चीज तो ये डिटेक्टिंग क्रैक्स पाइप्स में, प्रोडक्ट्स में, और ऐसे कई जगहों पे पाइपलाइंस में ऐसे मशीन्स डाल ली जाती हैं, वो अल्ट्रासाउंड सेंड करते रहती हैं और जहां पे कोई भी क्रैक होता है वो ऐसा इस तरीके से वो आवाज करने लग जाती है कि यहाँ पे क्रैक हमने डिटेक्ट किया। इसके बाद सेकेंड यूज है टू क्लीन इंट्रिकेट कॉम्पोनेंट्स। और इंट्रिकेट कॉम्पोनेंट जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ऐसी चीजें, ऐसे मशीन पार्ट्स बहुत सारे होते हैं जिन मशीन पार्ट्स में आप अगर खुद ही कल्पना करें कि आप ब्रश लेके साफ कर पाए तो बहुत मुश्किल होगा और बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल है, और ढंग से आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये भी बात है। तो ऐसे में ये अल्ट्रासाउंड, ये मशीन्स आती हैं, इसमें क्या होता है, आप जो साफ करने वाला जो सोल्यूशन है उसको डालते हैं और साथ ही साथ इस पर अल्ट्रासाउंड डालते हैं। तो अल्ट्रासाउंड की वजह से सब चीजें बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगी, तो जब वाइब्रेट करेंगी तो वो जो लिक्विड है डिटर्जेंट वो कोने कोने तक पहुंच तो गया ही है, बस वो वाइब्रेट करके जो घिसने वाली चीज होती है वो फंक्शन कर देता है। तो जितनी गंदगी वो सब गंदगी तक वो डिटर्जेंट पहुंच गया और डिटर्जेंट मूव कर रहा है तो सब जगहों से वो गंदगी साफ भी होते जा रही है। इसके बाद अब अगला जो यूज है इसका ये है टू व्यू इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैसे देख लेता है कि वही चीज, एक तरफ ट्रांसड्यूसर है जो कि अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगा, और इसी में ऐसे सेंसर्स भी लगे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उस रिफ्लेक्टेड साउंड को ये ऑब्जर्व भी करेगा कि मतलब कि कहां से आया, किस डायरेक्शन से आया और क्या इंटेंसिटी थी। तो ये इस तरीके से जब अल्ट्रासाउंड किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है तो थोड़ा अल्ट्रासाउंड जो पहले टिश्यू मिलेंगे थोड़ा सा साउंड वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, एक इमेज जैसी मिलेगी, फिर थोड़ा साउंड उसको पेनिट्रेट कर चुका है, जो अगला कुछ मिलेगा वहां से थोड़ा सा साउंड रिफ्लेक्ट होगा। तो आप इसी मशीन को चारों तरफ यूं यूं गोल घुमाते हुए, आगे पीछे करते हुए आपको पूरे एरिया का एक इमेज के जैसा वो क्रिएट कर देगा, एक कि कौन कौन से टिश्यूज सक्सेसिवली हैं, तो आप पहचान पाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स को देख पाएंगे। तो एक तरफ हमने हाथ पे लगाया और ये लगातार ये प्रोसेस चल रहा है कि अल्ट्रासाउंड जा भी रहा है आ भी रहा है, तो आप हार्ट का जहां जहां जो टिश्यू रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे टिश्यू था उसने रिफ्लेक्ट किया, अब वो टिश्यू यहाँ पे है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपको एक प्रॉपर एक इमेज मिल गई इसकी, जो देखना है आपको वो तो दिख ही जाएगा कि यहाँ पे वॉल्व ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये फीटस का अल्ट्रासाउंड है तो फीटस में कोई एबनॉर्मैलिटी है या कोई भी दिक्कत है वो सब पता चल जाएगा। तो इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी में स्टोन है तो अल्ट्रासाउंड से देख लिया कि हाँ क्या है अंदर। तो ऐसे अल्ट्रासाउंड का बहुत सारा यूज है। तो जैसे किडनीज में पत्थर जमा हो गया तो इसे किडनी स्टोन कहा जाएगा, इस पे अल्ट्रासाउंड
और अल्ट्रासाउंड बहुत हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी है, तो ये जब इस पे डायरेक्ट किया जाएगा तो ये पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करेंगे, और जब ये पार्टिकल्स, ये पत्थर के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो ये छोटे टुकड़ों में टूटेंगे, और जब ये छोटे टुकड़ों में टूटेंगे तो यूरिन के साथ पास हो जाएंगे। तो हम साउंड का यूज कर रहे हैं किडनी स्टोन्स को ट्रीट करने के लिए, और साउंड भी एग्जैक्टली अल्ट्रासाउंड। इसके बाद अगला यूज है सोनार। तो हम समंदर के नीचे कितनी गहराई पे जमीन है, ये जमीन प्लेन है या कोई पहाड़ के जैसी है या कोई गड्ढे के जैसी है, कितनी गहराई पे है, क्या शेप है, ये हमें पता चल जाएगा जब हमें रिफ्लेक्टेड रेज मिलेंगे। और इसका यूज फिश हंटिंग सोनार एक चीज है, तो जो मछलियों के ऐसे बड़े झुंड होते हैं उनमें अल्ट्रासाउंड डाला जाता है तो अलग तरीके का रिफ्लेक्शन पैटर्न देती है, तो डिटेक्ट हो जाता है यहाँ पे झुंड है। एक दो मछलियां होंगी तो वो बात नहीं आएगी, लेकिन झुंड समझ में आ जाएंगे। तो जहां पे झुंड होते हैं ये डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर वहीं पे फिर ये डाले जाते हैं जो नेट्स हैं। और एक और चीज, जो नॉर्मल मछलियां हैं, नॉर्मल मछलियां तो पकड़ ली जाती हैं, डॉल्फिन्स वगैरह जो अल्ट्रासाउंड का यूज करती हैं, तो डॉल्फिन्स वगैरह वो अपने अल्ट्रासाउंड से पहचान जाते हैं कि ऊपर शिप है और कुछ ऐसा ऐसा चल रहा है, तो वो निकल जाती हैं। तो नेट्स में ऐसी मछलियों को पकड़ना, व्हेल्स या डॉल्फिन्स या जो साउंड का यूज करती हैं अल्ट्रासाउंड का खुद, तो वो अपने आप में एक सोनार के जैसा है, तो वो कैप्चर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ इस टाइप से पूरे एरिया में ये दिखा देते हैं कि कहां कहां एनोमली हमें, कहां कहां से एबनॉर्मल रिफ्लेक्शंस हो रहे हैं, और जब ये लाइव पूरा चल रहा है तो ये कहां कहां ये चेंज हो रहा है। और ये चीज नेचर में भी है, इंसानों ने तो बहुत बाद में बनाया है। तो बैट्स एकोलोकेशन का इसी तरीके से यूज करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड सेंड करते हैं, जहां जिस चीज से भी टकराएगा वहां से सिग्नल इन पे आएगा, और ये लगातार ये प्रोसेस चल रहा है, तो इन्हें पता चल जाता है कि कितना बड़ा कीड़ा है, किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, कितनी तेजी से उड़ रहा है, क्योंकि उन्हें रियल टाइम डेटा मिल रहा है उस चीज का। तो एग्जैक्टली अपने मूवमेंट उसी हिसाब से कर पाते हैं, और अंधेरे में भी शिकार कर पाते हैं। तो एकोलोकेशन ऑफ बैट्स, एकोलोकेशन ऑफ व्हेल्स। अब अगला पॉइंट आता है एको। तो एको एग्जैक्टली क्या चीज है? अ रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, सिंपल सा डेफिनेशन। अच्छा, ये चीज तो हमने कहा कि साउंड हमने कुछ निकाला, साउंड टकराया और वापस से हमें हमारी तरफ आया, तो आमतौर पे नॉर्मल बोलचाल में इसकी भाषा में एको का यूज तब किया जाता है जब ऐसी जगहों में जब आपको अपनी आवाज क्लियरली सुनाई देती है। रिवर्बरेशन तो हो गया गूंजना, कि आप आवाज कर रहे हैं हेलो और आपको भारी सा कुछ लग रहा है कि हेलो ही बोला गया है, आपके टाइम पे बोला गया, लेकिन सुनने में थोड़ा सा गूंज रही आवाज। एको क्या है? आपने बोला हेलो, एक सेकेंड दो सेकेंड बाद वो आपको हेलो, फिर कहीं पे वो डिपेंड करता है आप खड़े कहां है, कि एक एको सुनाई दे रही है कि और एको, लेकिन कम से कम एक तो आप आया है आप पे, कि आप कुछ बोले और अगले ही थोड़े टाइम में आपको एको सुनाई दे। तो एको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो ये सवाल आता है। तो इस सवाल से पहले ये पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ऐसा ही एक टर्म हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था, जिसको हमने कहा था परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि 1/14th ऑफ अ सेकेंड लगता है हमें कोई चीज देख के प्रोसेस करने में, और 1/14th ऑफ अ सेकेंड से पहले ही हमें लगातार कई सारे फोटोज दिखा दिए जाएं तो हमारा ब्रेन उसे एक वीडियो के सेंस में एनालाइज करता है, क्योंकि वो एक चंक लेता है हमें क्या दिखा, और इसी वजह से हमें वो फोटोज जल्दी जल्दी दिखाए जाते हैं फटाफट से, कि एक गोला बना दिया उसमें अलग अलग फोटोज हैं और गोले को तेजी से घुमा रहे हैं, तो हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है। परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि पहली इमेज और दूसरी इमेज के बीच में 1/14th ऑफ अ सेकंड का गैप रहेगा, तो पहली विजन में आपने कितना कुछ देख लिया, दूसरे में कितना कुछ देख लिया, और लगातार चलते जा रहे तो आपको एक वीडियो के सेंस में दिखाई दे रहा है। ये है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, यानी कि आपने जो आवाज दी या जो भी आवाज हुई वो आवाज
आपको पहले उसी टाइम पे सुनाई देगी, जस्ट अगली आवाज आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि ये वाली आवाज से अलग जो आवाज है उसमें आपके ब्रेन को 0.1 सेकेंड लगेगा। पहली आवाज और दूसरी आवाज के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होगा, तब तो आप इन दोनों को अलग अलग पकड़ पाएंगे कि ये अलग आवाज थी, ये पहले आई थी, ये बाद में आई थी। अगर इससे कम गैप है तो वो आपको एक ही आवाज लगेगी कि ये सितार और ये ड्रम एक साथ में चालू हुआ। अगर इससे कम गैप रहेगा, इससे ज्यादा गैप रहेगा, इतना या इससे ज्यादा गैप रहेगा, तो आपको पता चलेगा नहीं पहले ये शुरू हुआ फिर ये शुरू हुआ। तो ये है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। तो आप अपनी ही आवाज सुन पाए और उसको हम एको ये लफ्ज इस्तेमाल कर पाए कि आपने बोला हेलो और आपको पलट के सुनाई दे रहा है हेलो, तो कम से कम इतना टाइम तो कम से कम चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन इतना तो कम से कम चाहिए, क्योंकि इससे कम अगर टाइम हुआ तो आपको वो अपनी आवाज में ही लगेगा। तो अगर इन केस आप कोई क्लैप करते हैं, ताली बजाते हैं और आपको वो ताली सुनाई देनी है दोबारा से, तो 0.1 सेकेंड कम से कम बाद सुनाई दे। अब पॉइंट यहां पे आता है कि स्पीड ऑफ साउंड अगर किसी कहीं किसी जगह में स्पीड ऑफ साउंड मान लीजिए किसी जगह में किसी टेम्परेचर में 360 है मीटर्स पर सेकेंड और 0.1 सेकेंड तो उसे कम से कम चलना ही है, तो यानी कि कितना 36 मीटर कम से कम साउंड ट्रेवल करे तब जाके आपको एको सुनाई देगा। और आप ये भी चाहते हो कि साउंड आपका साउंड पहले कहीं तक चले फिर वापस आए आपकी तरफ, तो ये जो डिस्टेंस है आपको ये डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, तो यानी कि 18 मीटर। और आमतौर पे वैसे स्पीड ऑफ साउंड 350 करीब मानना जाता है, 25 डिग्री टेम्परेचर और ऐसा रूम टेम्परेचर, तो ये करीब करीब 35 मीटर आता है। तो यहाँ 35 by 2 तो ये करीब करीब 17.5 मीटर कहा जाता है, 17 या 17.5 मीटर। इतनी दूरी पे दीवार हो तो आपको क्लियर एको सुनाई देगा, वरना आपको एको सुनाई देगा लेकिन क्लियर नहीं सुनाई देगा। क्लियर एको आपको इतनी डिस्टेंस पे कम से कम दीवार होनी चाहिए, इससे पहले तो आपको गूंज सुनाई देगा, आवाज गूंज रही है। इतना होगा 17.5 या उससे ज्यादा तो आपको क्लियरली सुनाई दे पाएगा कि आवाज गई टकरा के आई। तो अकूस्टिक्स ये वर्ल्ड किया जाता है, यूज किया जाता है साउंड के सेंस में ही। तो फंडामेंटल अकूस्टिक्स के सेंस में ये पूरा एक ग्राफ है, ग्राफ क्या कहेंगे इसे। तो अगर एक तरफ हम देखें तो इलेक्ट्रो अकूस्टिक्स, यहां से देखें अगर जैसे रूम एंड थिएटर अकूस्टिक्स, रूम में आवाज कैसी होगी, ये सब चीजें आर्किटेक्चर एंड विजुअल आर्ट्स में आ गई। शॉक एब्जॉर्प्शन एंड नॉइस रिडक्शन, ये भी आर्किटेक्चर एंड मैकेनिकल में आ गया। अल्ट्रासोनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रो अकूस्टिक्स, ये सब इलेक्ट्रिकल केमिकल और मैकेनिकल, ये सब इंजीनियरिंग के अंदर सब चीजें आ गई। म्यूजिकल इन स्केल्स और इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप खेल रहे हैं तो आप म्यूजिक के अंडर हैं, जो कि आर्ट्स के अंडर आता है। कम्युनिकेशन साइको अकूस्टिक्स, ये साइकोलॉजी एंड स्पीच का हिस्सा है। हियरिंग, ये फिजियोलॉजी का हिस्सा है कि आपको सुनाई कैसा दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, ज्यादा। बायो अकूस्टिक्स, ये मेडिसिन का हिस्सा है। और साउंड इन एटमॉस्फेयर या साइज्मिक वेव्स, जो कि अर्थक्वेक के वेव्स हैं, ये फिजिक्स ऑफ अर्थ एंड एटमॉस्फेयर का हिस्सा है। अंडर वाटर साउंड के से डील अगर आप करते हैं तो ओशनोग्राफी का हिस्सा है, जो कि इन इटसेल्फ अर्थ साइंसेस का हिस्सा है। तो हम साउंड ही अलग अलग जगहों पे कितना यूज करते हैं और कितना ज्यादा इसके कामों में इन्वॉल्व हैं, और वो कितने अलग अलग साउंड ही एक चीज कितने अलग अलग जगहों में टच कर रहा है। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। तो जैसे ह्यूमन ईयर अब आ गया तो थोड़ा देख लेते हैं। तो आवाज जाती है हमारे कानों में वाइब्रेशंस, एंड वैसे ही वाइब्रेशंस होते हैं ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम जुड़ा है
एक दो तीन तीन हड्डियों से, जिनको हम ईयर बोन्स कहते हैं। ये जैसे वाइब्रेट करेगी उसी तरीके से ये वाइब्रेशंस पहुंचाएगा यहां तक जो लिक्विड फिल्ड कोचलिया है। और बस इनका ये बनावट बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको यहां वाइब्रेशन वो लिक्विड फिल्ड उस चीज में पहुंचाने हैं सेम। तो किस तरीके से इन्होंने ये हैमर एंड एनविल डिजाइन इसे कहते हैं, तो ये तीन हड्डियां हैं, किस तरीके से इसे हैमर पार्ट कहते हैं, इसे एनविल पार्ट कहते हैं। ये इस पे स्ट्राइक कर रहा है, ये जब आगे पीछे हो रहा है तो ये पीछे होगा तो नीचे वाला पोर्शन आगे पीछे होगा, और जब ये नीचे वाला आगे पीछे होगा तो यही चीज ट्रांसमिट करेगा इधर कोचलिया पे, और कोचलिया के अंदर लिक्विड फील्ड है। ऐसे ही ढाई राउंड्स लेता है कोचलिया, और ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज अलग अलग जगहों पे ऑब्जर्व करता है, फ्रीक्वेंसीज एंड पिच। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि अलग अलग टाइप ऑफ साउंड के लिए काम करते हैं, और यहीं से ऑडिटरी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन में जाके सिग्नल देती हैं कि हमें किस फ्रीक्वेंसी एंड पिच की आवाज सुनाई दे रही है। और ये ब्रेन के एक हिस्से में जाता है जिसे थैलेमस कहते हैं, जरूरी चीज होगी तो ब्रेन तक पहुंचाएगा, जरूरी नहीं होगी तो इग्नोर कर देगा। तो किस तरीके से बहुत अच्छा ब्रिलियंटली डिजाइन चीज है हमारे कान की, बस फ्रीक्वेंसी किस तरीके से साउंड फ्रीक्वेंसी को मैकेनिकल में चेंज किया है, और फिर किसे किस तरीके से एक लिक्विड में किस तरीके से हेयर सेल रहे हैं, और किस तरीके से उसे फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज कर। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जैसे कि हम एनर्जी क्या दे रहे हैं, बस हम एक स्टिक को पानी में बार बार से डुबो रहे हैं और इसमें रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो पहली चीज तो वेवलेंथ, एक क्रस्ट से दूसरा क्रस्ट या एक ट्रॉफ से दूसरा ट्रॉफ, तो यानी कि वेव कितनी लंबी है, इसे कहेंगे वेवलेंथ, जिसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। प्रीव्यू, इसमें इमेजिन करते हैं कि इन वेव्स में कोई आदमी नाव चला रहा है, तो ये स्पीड है वेव्स की वी। तो अगर इस आदमी की अगर आप पोजीशन देखें तो ये ऊपर नीचे होते जाता है अपनी सेम पोजीशन पे करीब। अब एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है कि मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का डिस्टेंस। अभी एम्पलीट्यूड जीरो है, ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। अब आता है टर्म फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड। तो जैसे वन वेव पर सेकेंड, हर सेकेंड एक कंप्लीट वेव आ रही है तो हम इसे वन हर्ट्ज कहेंगे। अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, तो जैसे फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी, ये वन साइकिल पर सेकेंड है, टू साइकिल पर सेकेंड में देखिए क्या फर्क आया है। जितने टाइम में एक वेव बनती थी, जैसे यहां से हमने शुरू किया मीन पॉइंट और अगला मीन पॉइंट इन द सेम फेज, ये वाला मीन पॉइंट है इन द डिफरेंट फेज। यहां पे हम ऊपर जा रहे हैं तो अगला मीन फेज जहां हम ऊपर जा रहे हैं वो यहां पे आएगा। तो यानी कि ये एक वेवलेंथ है, या तो फिर और यही डिस्टेंस कितनी है अगर आप ट्रॉ से ट्रॉ लो, या मतलब क्रस्ट से क्रस्ट लो, या फिर ट्रॉ से ट्रॉ लो। और जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो अब उतने ही टाइम में दो वेव्स जा रहे हैं, तो दो वेव्स उतने ही टाइम में जानी है तो ये कंप्रेस हो गए, स्पीड ऑफ वेव सेम रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ कम होगा,
वेवलेंथ बढ़ेगा कि लंबी वेव हो तो ऑब्वियसली उतने टाइम में कम वेव जा पाएगी। ये फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ा दी, यहां एम्पलीट्यूड सेम है। यहां पे हम देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये 1 हर्ट्ज़ यानी कि 1 साइकिल पर सेकंड, यहां से यहां तक में 1 सेकंड में 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। ये 1 सेकंड में 3 साइकिल्स चली जाएंगे इसमें, मतलब यहां से क्रस से लें तो ये 1 साइकिल 2 साइकिल 3 साइकिल, 3 साइकिल 1 सेकंड में जाएगी, यहां 1 साइकिल 1 सेकंड में जाएगी। लेकिन अगर आप स्पीड देखें तो किसी भी सक्सेसिव पीक का या क्रस्ट का आप देखें तो वेव स्पीड सेम है दोनों की, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव समय लगता है कि तेज जा रही है लेकिन स्पीड दोनों का सेम है। और ये एक्चुअली फास्टर वेव एंड स्लोअर वेव दिखाई गई। अगर आप देखें कि 1 सेकंड में कितनी वेव क्रॉस कर गई तो आपको दिख रहा है हर सेकंड में वो कहीं ज्यादा क्रॉस हो रहे हैं। और इस चीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक टोल बूथ है, उस टोल बूथ से गाड़ियों को पास करना है तो जो लंबी गाड़ियां हैं ये कम गाड़ियां पास हो पाएंगी गिवन टाइम में। अगर आप कहें कि 1 मिनट में टोल बूथ से कितनी गाड़ियां पास हो गई या 1 सेकंड में कितनी हो गई, तो बड़ी गाड़ियां तो सिर्फ 2 ही जा पाएंगी, छोटी गाड़ियां यहाँ पे 4 चली गई, उतने ही टाइम में छोटी गाड़ियां ज्यादा चली जाएंगी। तो वही चीज, जिनका वेवलेंथ कम होगा उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिनका वेवलेंथ ज्यादा है उनकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतने ही रखते हैं।